अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज ज़हमत और मैं हूं इरम ज़ईन। बुलेटिन का आगाज करेंगे, अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं शहरयार आफरीदी राणा सनाउल्लाह केस के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन पर यकीन है हमारा और अदालतों की इज्जत सब पर फर्ज है। ये नहीं कि फैसला आपके मकसद का या मतलब का आए तो अलग वर्जन, खिलाफ आए तो अलग वर्जन। अदालतों के लिए एक रियासत में एहतराम जब नहीं होगा तो मुल्क कभी भी अपने मकसद हासिल नहीं कर सकेगा, अपनी सोच और अपनी विजन और अपने नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक। एक और चीज, कल लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का अभी तक ऑर्डर नहीं आया और मीडिया में कल परसेप्शन ये बना कि शायद राणा सनाउल्लाह बरी हो गया है, वो मासूम है। मैं कौम को ये बताना चाहूं कि राणा सनाउल्लाह साहब अभी भी वो मुल्जिम है। आज अभी इसी वक्त तक ऑर्डर क्योंकि नहीं आया, उस हवाले से मैं कोई बात नहीं करूंगा। राणा सनाउल्लाह साहब के हवाले से जुलाई से लेकर अब तक नेशनल असेंबली, सेनेट में, डिफरेंट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, हर जगह मैं गया और मैंने कहा कि 17 दिन के अंदर तमाम सबूत नेशनल असेंबली सेनेट में इस्तेमाल किया, 17 दिन के अंदर तमाम सबूत हमने प्रोवाइड कर दिए, 18वें दिन ट्रायल शुरू होना था। ये जो डिलेइंग टैक्टिक्स की गई हैं कि किसी तरीके से इस केस को डिले किया जाए, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। आज कौम को ये मैं बताना चाहूंगा कि आज अगर इमरान खान के और हमारी मदीना की रियासत और नए पाकिस्तान का जो विजन है, इसको अल्लाह के बाद मीडिया ने, बीट रिपोर्टर्स ने, मुझे, मुराद सईद, अली मोहम्मद खान, फरोख हबीब, अली जैदी, फैसल वाडा, ये जब तमाम पीटीआई के सरताज गुल, ये जितने भी पीटीआई के ये जो लोग थे जिनको कोई नहीं जानता था, आपके जरिए से अल्लाह ने उनको इज्जत दी। आज मेरा सवाल ये है कि मीडिया क्या ये नहीं बताता रहा कि मॉडल टाउन का जो वाकया लाहौर में और कौम की बेटियों के माओ में जो गोलियां मारी गईं, फिर क्या आबिद शेर अली के वालिद साहब के वो अल्फाज नून के अपने लोग राणा सनाउल्लाह साहब के बारे में क्या कहते थे, क्या वो सब भूल गए और आज वो मासूम बन गए? अदालत में केस है, इनको बरी नहीं किया गया, जमानत दी गई है, अभी तक फैसला नहीं आया। प्राइम मिनिस्टर साहब के इस विजन में कि हमने करप्शन और सबसे बढ़कर ये कि वो नासूर जो मेरी नस्लों को तबाह कर रही है, यानी वो लोग जो इक्तदार में होंगे उनके लिए बात की जाएगी, मीडिया ट्रायल होगा, लेकिन वो जो आम पाकिस्तानी बच्चा या लोग पकड़े जाते हैं जिनका कोई ओहदा रुतबा जिनके पास नहीं होता, उनके लिए कोई आवाज नहीं उठाता। कल क्योंकि फैसला नहीं आया था, मैं मुल्क से बाहर था, परसेप्शन ये दी गई, मैं कल कैबिनेट मीटिंग में भी नहीं था, कि शायद ये मीडिया से भाग रहे हैं। हमारी तरबियत ऐसी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से होने का यकीन और हमारे लीडर, हम मैदान में खड़े होने वाले हैं। क्या ये कौम भूल गई कि मंजूर के तायर दावड की लाश बॉर्डर पर किससे ली थी? क्या ये कौम भूल गई कि जब इस मुल्क की जमीनों पर वो लोग जो कहते थे हम टायरे लगाते हैं फाइल को, उनके खिलाफ मैदान में कौन निकला? क्या मुझे धमकियां नहीं दी गई होंगी आज पाकिस्तानी कौम के सामने? उनके सामने डटा रहा, क्योंकि ये फलसफा हुसैन है, जालिम के आगे डटना और मजलूम के सर पे हाथ रखना। मेरी किसी से, ना प्राइम मिनिस्टर साहब की ना मेरी, किसी से कोई रंजिश नहीं। ANF एक प्रोफेशनल फोर्स है, हेडेड बाय कौन, मेजर जनरल, उनके अंडर 9 ब्रिगेडियर्स हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि प्राइम मिनिस्टर ने अरेस्ट किया, क्या मैंने किया, क्या मैंने पोलेट किया? हमने बिल्कुल नहीं, हमने उनकी इंटरफेरेंस नहीं की लीगल प्रोसीडिंग्स में, किसी लेवल पर कोई विक्टिमाइजेशन नहीं है। और इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह ये वक्त साबित करेगा। ये वैसे भी मौसम जो है जमानतों का मौसम है। मेरा सवाल ये है आज कि मिठाइयां तो एक जमाने में तकसीम की गई थी, फिर क्या हुआ? ये जो कल पॉम्प एंड शो मनाया गया, एक तासुर दिया गया कि सब कुछ खत्म हो गया। याद रखिए, ANF एंटी नारकोटिक्स फोर्स एक प्रोफेशनल फोर्स है, इदारों को मजबूत करना। शहरयार आएगा और चला जाएगा, हुक्मरान आएंगे और चले जाएंगे, असल चीज है पाकिस्तान, असल चीज है पाकिस्तान के इदारे। खुदा के लिए, मीडिया फोर्थ पिलर ऑफ अ स्टेट,
आपकी बहुत बड़ी अखलाकी जिम्मेदारी है, हम आपको वैल्यू करते हैं। आप ही, मैं बार बार कह चुका हूं कि आज अगर जो कुछ है आप ही के अल्लाह के फजल के बाद मीडिया ने हमें उठाया। लेकिन मेरा सवाल यह है कि दोनों साइड दिखाया करें, एक तरफ बिल्कुल मीडिया, अदालतों में केस चल रहे हैं, अदालतों की चीजें मिनिस्टर कैसे बताएगा आपको जो चीजें हैं, और मेरे साथ से एक चीज जोड़ी गई कि वीडियो 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 पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं और DGENF हमने, मैंने फुटेज किसी जगह पे मेरे एक चीज इस्तेमाल की फुटेज, उसको अजीब तरीके से पेश कर दिया गया। फिर जब मैं बात करूं कि मैंने अगर कोई भी अगर जातियात की हो, जैसे पहले लोग भैंसों के पर्चे और पता नहीं क्या क्या करते थे, तो मैंने यहां तक कहा कि मुझे कलमा नसीब ना हो, उसका भी मजाक उड़ाया गया। जब मैंने कहा कि मैंने जान अल्लाह को देनी है, उसका भी मजाक उड़ाया गया। खुदा के लिए इस रियासत में हम कौम के आने वाली नस्लों के लिए क्या मैसेज दे रहे हैं? आप ओथ लेते हैं जब असेंबली में जाते हैं, आप कैबिनेट मेंबर रोते हैं, आप ओथ लेते हैं, आप हर जगह अदालतों में आप ओथ लेते हैं। तो जब आप कहते हैं कि मैंने अल्लाह को जान देनी है, जब आप कहते हैं कि मैं इस मुल्क का बासी हूं और मैं आंसरेबल हूं, तो उसको मजाक उड़ाना। तो आज आपके सामने ये चीजें मैंने रख दी हैं, इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे, तमाम लीगल प्रोसीजर्स को सामने रख के फैसला आएगा, ऑर्डर उसको पढ़ेंगे, पूरा ऑल आउट जाएंगे ताकि पाकिस्तान के अंदर वो माएं, वो बहनें, वो बेटियां, वो बीवियां जिनके शॉर्ट ड्रग एडिक्ट्स हैं, जिनकी नस्लों को तबाह कर दिया गया, जाएं किसी उस मां से पूछें जिसके सामने उसका बेटा जिंदा लाश बना बैठा हुआ है, उस बेवा से पूछें, उस बेटी से पूछें कि बाप के ड्रग होने से उसका रिश्ता टूट गया। खुदा के लिए हम उन चीजों को साइड पर रख के एक ऐसे शख्स की बात करते हैं, क्या इसके ऊपर इल्जाम अगर ना होते तो मैं चुप रहता? और फिर इनके ये एसेट्स कैसे बढ़े? ये कहते हैं मैंने दो प्रोफेशन ऑप्ट किए हैं राणा सनाउल्ला साहब, एक कौन सा प्रोफेशन? एक वो कहते हैं मैं वकील, 5 हाई कोर्ट्स हैं, 1 शरीयत कोर्ट है, 1 सुप्रीम कोर्ट है, किसी अदालत में ये पेश हो कहीं पे भी नहीं। फिर कहा कि जी मैं रियल स्टेट का काम करता हूं, एक प्लॉट नहीं बेचा इन्होंने, कोई चीज इन्होंने नहीं बेची, सब चीजें खरीदी हैं, किधर से पैसे आए? आज हम जो मदीना की रियासत की बात करते हैं, आज हम नए पाकिस्तान की बात करते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं मैं भी कानून से बालातर नहीं हूं, कैबिनेट मेंबर्स भी कानून से बालातर नहीं, हम सब आंसरेबल हैं। और मीडिया से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि खुदा के लिए ये मेरा पाकिस्तान है, इस मुल्क में हमने जीना रहना है, इस मुल्क में वो माफियाज जो डिक्टेट करते हैं, जो डराते हैं, जो लोगों को खरीद करते हैं, उनके खिलाफ इमरान खान और हम खड़े हैं, इसमें कोई सौदेबाजी नहीं होगी, सब कुछ कुर्बान होगा इंशाल्लाह, लेकिन इस चीज पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। शहरयार भाई ये बताइएगा, शहरयार भाई ये बताइएगा कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत अहम चीज है कि आजकल जमानतों का मौसम है और तमाम बड़े चोरों को जमानत मिल चुकी है, क्या तासुर देने की कोशिश की जा रही है, क्या अदालतें मौसम के मुताबिक चलती हैं और फैसला देती हैं? किसके कहने पर जमानत दे रही? देखें मैं पहले कह चुका हूं, अदालतों का हम दिल से एहतराम करते हैं, अदालतों की इज्जत जिस मुआशरे में नहीं होती वो मुआशरे खोखले होते हैं, खत्म हो जाते हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स गिर गए और वो इलाज के लिए गए थे, अभी तक इलाज नहीं करा रहे, वहां पे शॉपिंग कर रहे, क्या कौम नहीं देख रही, क्या ये दुनिया नहीं देख रही? बाकी बात यह है कि एज पर लॉ, रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ पे हम बिलीव करते हैं और इंशाल्लाह बेइज़्ज़तिल्लाह इस पर कोई सौदेबाजी नहीं होगी। प्यारे भाई मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारी पूरी टीम पहले दिन से, जब हम तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं और पिछले 12 साल से मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूं, हमने अदालतों का एहतराम दिल से किया। देखें इदारे, देखें अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि मीडिया को, मैं पहले ही कह चुका हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब और हम सबको अल्लाह के बाद आप मीडिया ने उठाया है,
अली मोहम्मद खान, मुराद सईद, कौन जानता था शहरयार अफरीदी को? कौन मुराद सईद और अली मोहम्मद खान को जानते थे, फरूख हबीब को? देखें, खुदा के लिए, हर जैसे सियासतदानों में, हर इदारे में ऐसे लोग होते हैं जो इदारों के लिए शर्मिंदगी का सबब बनते हैं। मीडिया को हमने हमेशा वैल्यू किया है, इदारों को वैल्यू किया है। प्राइम मिनिस्टर का विजन ही है कि इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन किया जाए, डीपोलिटिसाइज किया जाए, और इस मुल्क की खूबसूरती और मुल्क का वकार तब बढ़ेगा, अक्वामे आलम में इस मुल्क को और कौमों को इज्जतें तब मिलती हैं जहां पे इदारे मजबूत हों। इदारों के हवाले से आप ये बताएं कि आपने इसमें कोई शक नहीं बाकी को भी समान जो की बात सजा दे दी थी, आपने प्लेटर्स की बात की, प्लेटर्स तो आपके दौरे हुकूमत में और सिपाही वजीर के होते हुए होते रहे हैं, तो फिर उनके खिलाफ क्या आप कार्रवाई करने जा रहे हैं जिन्होंने गलत रिपोर्ट दी? देखिए मेरी बात सुनो, एक मिनट। एक टाइम पे जब आप सवाल करेंगे, मेरी जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज है वो निकाल लें, मेरी सेनेट में और नेशनल असेंबली में जिधर मेरी इस बारे में बात हुई है, मुझसे सवाल किया गया वीडियोस का, मैंने कहा हमारे पास वो फुटेजेस, वो 17 दिन में तमाम चीजें प्रोवाइड कर दी गई। मुझसे बार बार पूछा जाता है कि तमाम चीजें, मैंने कहा ये अदालत में प्रोसिक्यूशन का काम है, मैं बार बार, और इसको इश्यू बनाया गया, किधर है वीडियो, किधर है वीडियो? यहां तक कि DGANF ने कहा कि यह कोई फिल्म बन रही थी, कि अभी इस तरह पोस्ट बनाओ, फिर इस तरह पोस्ट बनाओ। अगर ये वीडियो, अगर सारा कुछ वीडियो बनती और ये इस तरह हो रहा है तो कहते ये प्लांटेड है। खुदा के लिए, ये काम मेरा और आपका नहीं है। हम क्यों जज बने, हम क्यों ज्यूरी बने? ये अदालतों का काम है। अदालत में केस पेश होगा, अदालत में ट्रायल, ये क्यों डिलेइंग टैक्टिक्स हुई? तहकीकात करें। आपके जितने भी मीडिया, आपको अल्लाह ने इज्जतें दी हैं, आप खैर का जरिया बन रहे हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, आप इन्वेस्टिगेट करें, डेप्थ में जाएं कि ये कौन सी ऐसी वजह है। पेट खराब है, अच्छा देखिए मेरी बात सुने, देखें मेरे प्यारे भाई, एक मिनट। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब, नंबर वन इंटीरियर की जिम्मेदारी, अभी नारकोटिक्स और सेफ्रॉन की जिम्मेदारी, खुदा के लिए इंसान, जैसे मैं कल नहीं था ग्लोबल रेफ्यूजी फोरम जिसमें प्राइम मिनिस्टर और मैं गए थे, मैं कल नहीं था, मैं कैबिनेट मीटिंग में नहीं आया, एक परसेप्शन बना दी गई। उस दिन, जिस दिन स्पीकर चैंबर में, उससे पहले मैंने, अली मोहम्मद खान ने, मुराद ने इन रिटर्न अपना इस्तीफा दे दिया था, स्पीकर को लिख के टू द चेयरमैन ऑफ द पार्टी। मैं उस दिन बीमार था और उसकी शुक्र मेरे रब का करम है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि एक फोन कॉल पे हम उसको बुला लेते हैं आपके सामने। तीसरी चीज, प्राइम मिनिस्टर साहब का अंधा एतमाद है अल्हम्दुलिल्लाह मुझ पर। अल्लाह ना करे कि मैं उन लोगों में हूं जो बाहर छोड़ के आए हैं। मैं एक मल्टीनेशनल हेड करता था, अगर मैं एम्बेरसमेंट, प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी टीम को वैल्यू करते हैं और उनको पता है कि किस में कितना दमखम है, तो ये तो रब जानते हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब से ये पूछें कि ये आपके लिए एम्बेरसमेंट है नहीं है, वो इसका जवाब दे दें। असल में जो एक चीज, जो
कह रहे हैं कि जी जमानत क्यों दी गई, केस कमजोर था क्या? ये अदालत का फैसला आएगा, 15 किलो हेरोइन, ये फ्लड गेट्स खुल जाएंगे, जो जो हेरोइन या मुख्तलिफ मुनशियात कितनी बारी तादाद में, फैसला आने दें, प्रोसिक्यूशन टीम अवेलेबल है, ENF एक प्रोफेशनल फोर्स है, उसकी पूरी टीम है, बाबर अवान साहब उस लीगल टीम को हेड कर रहे हैं, एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड, हर चीज अदालत के अंदर होगी, खुदा के लिए इसको मीडिया ट्रायल ना बनाए। देखें जी, देखिए मैंने बार बार कहा कि पहले बंदा जो हमने पकड़ा फैसलाबाद में पकड़ा, उससे आगे हमें लोग मिलते गए, ये तमाम गवाहान, तमाम सबूत, ट्रायल 17 दिन में बाकी सबूत दी, जो वो तमाम लोग हैं जो गवाहान हैं, जब ट्रायल शुरू होगा, मैं बार बार इस पे एम्फेसाइज कर रहा हूं, खुदा के लिए इसको अंडरस्टैंड करें, ये काम लीगल टीम का है, लीगल टीम ने आपको लीगल टेक्निकलिटीज और हर चीज पे बताना है, मिनिस्टर अगर खुद वहां का लॉयर भी बन जाए, उसकी लीगल टीम का हिस्सा बन जाए, तो मतलब इदारे में उसकी इंटरफेरेंस है। मेरा काम, प्राइम मिनिस्टर का काम, मिनिस्ट्री की और इदारों की को फैसिलिटेट करना है, उनको इज्जत देनी है, उनके लिए तमाम सहूलियात प्रोवाइड करनी है, बाकी काम इदारों का है। खुद देखिए देखिए जी, मैं एक बात बताऊं, देखिए देखिए मेरी बात सुने, इंशाल्लाह हिम्मत मर्दा मदद खुदा, ये मेरी आंखों में आप देख लें, ना डरने वाले हैं, ना घबराने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं, ना बिकने वाले हैं, अल्लाह के फजल से। सुप्रीम कोर्ट देखें, फैसला आएगा, फैसला पढ़ेंगे, जितने लीगल ऑप्शंस हैं उसको एग्जॉस्ट करेंगे, पहले कह चुका हूं मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। और मैं अनीफ अब्बासी साहब के केस के हवाले से भी बताता चलूं, वो भी सुप्रीम कोर्ट में मीडिया ट्रायल हो रहा है, सर आप मीडिया अगर ये अगर जिस तरह मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, देखिए मेरी बात सुने, बिल्कुल देनी है, आपने किसको देनी है? नहीं नहीं, आपने किसको देनी है? आपने किसको जान देनी है? आपने किसको तो जब जान अल्लाह को देनी है, लीगल टीम का बाबर बाबर अच्छा, देखिए जी मेरी बात सुने, सोशल मीडिया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे हम बिलीव करते हैं, आजादी है जो जो राय दे, मेरा काम है, जो मेरी जिम्मेदारी है, जो मेरी मिनिस्ट्री के अंडर है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। मेरी जो लीगल टीम, बाबर रवान साहब नहीं, बाबर साहब हैं जो हमारी लीगल टीम को हेड कर रहे हैं। मैं आज आखिर में आपको इतना बताता चलूं, जी 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 प्लीज, जी जी आप करें 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 करें, नहीं नहीं नहीं, देख देख देख, ना 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 ना, ए बेटे बेटे बेटे, अरे देख देख, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जरा मैं आऊंगा ना, आप इनका तो सवाल सुन, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मेरी आप सब, मैं कहीं नहीं जा रहा जब तक आपके सवालात खत्म नहीं होते, मैं यहीं पे खड़ा हूं, मैं जाऊंगा नहीं कहीं पे। अच्छा अब आते हैं, देखें मैंने कहा 17 दिन लीगल ये रिक्वायरमेंट है, 17 दिन के अंदर तमाम सबूत आपने पेश करने हैं, ठीक है जी। अब जब ट्रायल शुरू होगा, गवाहान आएंगे, तमाम सिस्टम चलेगा, तो ट्रायल के बाद ही होगा ना, ये मैं कह रहा हूं। क्या एक बड़े मिनट, क्या कहा मैंने जी? नहीं 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 ना 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 ना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैंने 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 बुजुर्गों ये कहा है कि 17 दिन के अंदर तमाम सबूत अदालत को दे दिए गए, अदालत में वो पड़े हैं, ट्रायल जब शुरू होगा वो तमाम गवाहान, जो भी जरा सिस्टम होगा, जो भी तरीकाकार होगा, वो ट्रायल के बाद होगा, ये मैं कह रहा हूं। अच्छा अभी आप पूछे, एक बुजुर्ग को पूछे, देखिए जी मैं बारहा कह चुका हूं और मैं आपको बड़ी ईमानदारी से कहूं,
कि लोग घबराते हैं, डर जाते हैं, प्रेशर में आते हैं, कहते हैं कि द मोर यू सप्रेस देम द मोर देयर रेजिस्टेंस बार इंक्रीजेस। जितना प्रेशर आएगा इंशाल्लाह मैं उसको फेस करूंगा, क्योंकि मेरा ईमान और यकीन है कि मेरी जो फोर्स है ANF वो क्रेडिबल है। हमारे पास तमाम चीजें मैंने अपनी गुनहगार आंखों से देखी और मैंने मीडिया को भी बताया। खुदा के लिए बार बार इस चीज पे एम्फेसाइज कर रहा हूं कि भागने वाले नहीं है, किसी लेवल पर इस पे सौदेबाजी नहीं होगी। शहरयार भाई, एक आखिरी शहरयार भाई ये बताइएगा, इसी के साथ पीटीआई के ऊपर एक कौमी असेंबली आलिया अहमदा साहबा ने असेंबली में बयान दिया था कि राणा सलाउद्दीन के हवाले से ये फाइल वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने गिरफ्तारी के लिए वजीर अजम नवाज शरीफ से इजाजत मांगी थी तो उन्होंने नहीं दी थी। क्या आपके सामने कोई ऐसी फाइल आपके दरबार में थी? देखिए जी, मैं जब इंटीरियर में था ये बात कही गई थी, मुझे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के उस वक्त के बहुत सारे अफसरान ने कहा, वो फाइल मुझे नहीं मिली, वो फाइल मुझे नहीं मिली। दूसरी बात, आपने दूसरा क्वेश्चन जो किया ANF का, देखें कोई, देखें मेरी बात सुने, शहरयार आफरीदी जो आपके साथ बात करता है, मुझे जो फीडबैक मिलती है उसके बेस पे बात करता हूं। प्लीज अदालत में क्या हो रहा है, ये सुनी सुनाई बात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तनद हदीस मुबारक के बगैर तहकीक के बात को आगे बढ़ाना झूठ के जिम्मे में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अच्छा, ये शहरयार भाई, ये क्वेश्चन में क्या फर्क है? आपने पहले कहा, पहले हम ये समझे कि आप वीडियो की बात कर रहे हैं, लेकिन वीडियो फुटेज में, अगर मैंने कहीं वीडियो का हो, मेरी बात बात मैं बता रहा हूं पहले सुन ले आप। वीडियो और फुटेजेस में फर्क पहले ये बता दूं कि फुटेजेस वो होते हैं जो कि आपने, जैसे मैंने कहा, 3 हफ्ते तक इनको राणा साहब को फॉलो किया गया और जो कि डिफेंस काउंसिल ने भी पेश किया। खुदा के लिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि जितने भी लोग हैं आप थोड़ा सा तहकीक करके पूछ लें। अभी आपने सवाल किया, मैंने इसका जवाब दे दिया। अच्छा, शहरयार साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बार बार ये पूछा जा रहा है और आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस रिलीज में मेंशन है कि जमानतों का मौसम है और बड़े चोरों को जमानत। मैं इसका जवाब, मतलब इसका जवाब दे दो सर। इसका जरा बताइएगा सर, आंसर दीजिएगा। एक मिनट भाई, ओ भाई एक मिनट सर जी, ये जमानतों का मौसम, मैं इसका जवाब दे चुका हूँ प्यारे भाई। नहीं सर, ये आपकी प्रेस रिलीज से क्या मतलब है? दे चुका हूँ मेरे भाई, भाई। आप कर चुके हैं सवाल, नेक्स्ट जी प्लीज। चलिए चलिए, वो दे दीजिए जवाब। देखे मेरी बात सुने, ना तो मैं इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हूँ, ना मैं जज हूं। खुदा के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब से ताहिर दावड़ शहीद की फैमिली को मिलवाया, उनसे तमाम बात की, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनी, उनके मशवरे से बनी, ये उनका काम है। हम देखिए, प्राइम मिनिस्टर शहरयार आफरीदी मिनिस्टर जज जूरी नहीं है, हम किसी को सजाएं नहीं दे सकते। देखें देखें, ये मेरा काम तो नहीं है, ये देखें बेचारे भाई, ये मेरा काम नहीं है। सर, पहले भी आपके काम में गलत हुए, आप गलत साबित होते हैं तो क्या ये आप इस पे वो करेंगे कि आप इस्तीफा देंगे? तो वाला सर आप दे रहे हैं, मेरा तो दूसरा नहीं दिया। देखें देखें, मेरी बात सुनो, एक चीज मैं क्लियर कर दूं प्लीज, एक मिनट मुझे आपकी तवज्जो चाहिए प्लीज। जी सर, हम वो दो रुतबों के लिए नहीं आए, हम अंडर द टेबल डील्स करने नहीं आए, हम यहां आए हैं एक चीज के लिए, आपके और आपके आने वाली नस्लों और इस मुल्क की बेहतरी के लिए। क्या आपने कभी पूछा है कि इतने प्रेशर्स में मुझे धमकियां दी गई हैं,
اس پہ تو کوئی بات نہیں کرتا. اور کون دیکھیں میری بات یار, ایک لندن میں نواز شریف شاپنگ کر رہے ہیں, کوئی اس کی ویڈیو یا فوٹیج ہے آپ کے پاس؟ میری بات سنیں, ان تمام مافیاز, ان تمام مافیاز جس پر حکومت نے ہاتھ ڈالا, تمام مافیاز جن پر ہاتھ ڈالا, وہ یہ پریشرائز کر رہے ہیں کہ یہ جھک جائیں گے, بھاگ جائیں گے. ہم دیکھیں, مجھے جس دن پتہ چلے گا میں سب کے سامنے ان کا نام لوں گا. تمام اور کس کیس میں ملی ہیں, کس کیسز میں ملیں گی؟ لیکن اور کوشچن کریں پلیز. دیکھیں میری بات سنیں, سب جوڈس ہے. کل میڈیا کہہ رہی تھی کہ شہریار آفریدی کہاں ہے, کوئی کہہ رہا تھا نمبر بند ہے, کوئی کچھ تھا. آج اگر حکومت کا اور اس منسٹری کا ورژن آپ کو نہ آیا ہوتا, میں نے کسی حوالے سے کوئی عدالت کے بارے میں ایسی بات نہیں کہ میں نے کہا جی ہم فیصلے کا ویٹ کر رہے ہیں. فیصلہ آئے گا, آگے کا لائے عمل اختیار کریں گے. ساتھ میں میں نے یہ کہا کہ جو مس پرسپشن ہے کہ ابھی صرف بیل ہوئی ہے, کیس ختم نہیں ہوا, بری نہیں ہوئے, اور قوم کو یہ بتانا تھا کہ ایران ثناء اللہ صاحب وہی ہیں جس کے بارے میں عابد شیر علی کے والد صاحب کیا کہتے تھے, ان کے بارے میں ماڈل ٹاؤن کے بارے میں کیا کہا جاتا تھا. وہ جتنا عرصہ اقتدار میں رہے, فیصلہ آباد میں میں گیا ہوں, فیصلہ آباد سے آپ پوچھیں, فیصلہ آباد کے لوگوں سے پوچھیں. اینڈ میں آپ سے یہ کہوں گا, دیکھیں پاکستان ہم سب کا ہے, پاکستان میں قانون سے بالاتر کوئی نہیں. میری جتنی بھی میری تنقید کرنی ہے, میرے بارے میں جتنا کچھ تحقیق کرنے ضرور کریں, کیونکہ میں نے اپنے لیے پروفیشن آپٹ کیا ہے اور ہم قانون سے بالاتر نہیں, یہی پرائم منسٹر کا ویژن ہے. خدا کے لیے اس پاکستان کے لیے ہم نے عام پاکستانیوں کی بھی بات کرنی. ہم نے انٹچبلز نا خدا جو بنے بیٹھے ہیں, جو لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے خریدتے ہیں, التجا ہے آپ فورتھ پلر آف اسٹیٹ ہو, آپ کو اللہ نے عزتیں سے نوازا ہے, آپ کی ایک کے قلم کے ایک جملے سے قوم کی تقدیر بدلتی ہے, آپ کے میڈیا کے ایک فوٹیج سے, ایک چیز سے قوم کو شعور ملتا ہے. خدا کے لیے میری آپ سے ایک پاکستانی ہونے کے ناطے یہ, میں غلط ہوں, آئی نیڈ ٹو بی پینلائزڈ, لیکن ایک کیس عدالت میں ہے, ابھی فیصلہ ہوا نہیں ہے, اور ہم اس کے حوالے سے تمام سوالات کر رہے ہیں. آپ کو اختیار ہے, آپ کو آزادی ہے, تو اس کے حوالے سے نواز شریف کی شاپنگ کا ذکر ہے سر. شہریار آفریدی رنا ثناء اللہ کیس کے حوالے سے پریس کانفرنس کر رہے تھے, ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ عدالتوں پر یقین ہے, اس کی عزت سب پر فرض ہے. لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا آرڈر ابھی جاری نہیں ہوا, اور یہ بھی کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے. یہ نہیں ہونا چاہیے, فیصلہ مطلب کا ہو تو الگ ورژن, خلاف ہو تو الگ ورژن. خبروں میں ہے کہ رانا ثناء اللہ بری ہو گئے یا معصوم ہے, رانا ثناء کا عدالت نے بے گناہ قرار دیا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ رانا ثناء ابھی تک ملزم ہے, 17 دن کے اندر ہم نے سارے ثبوت فراہم کیے, عدالت میں کیس ہے, بری نہیں کیا گیا, ضمانت دی گئی, ہم میدان میں کھڑے ہونے والے ہیں, شہریار آفریدی نے یہ بھی کہا. گزشتہ روز ڈی جی این ایف میجر جنرل عارف ملک کا کہنا تھا رانا ثناء اللہ کے خلاف ثبوت ان پر فرد جرم عائد ہونے کے بعد پیش کیے جائیں گے. رانا ثناء اللہ کے وکیل تاریخی حربے استعمال کر رہے ہیں اور مقدمہ چلنے نہیں دے رہے. جب تک جج اس پہ اوپر عدالت جج صاحب چارج فریم نہیں کرتے ہیں, ایویڈنس نہیں پیش کیا جاتا. ہم پوری کوشش کر سکے, آپ پیچھے بھی دیکھ لیں, ہماری اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں, ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا جلدی اس کے اوپر چارج فریم کیا جائے تاکہ ہم پروسیکیوشن میں اپنے ایویڈنس کو پیش کر سکیں. ہمارا چلان کمپلیٹ ہے, آپ جب بھی دیکھیں پچھلے جتنے بھی پیشیاں ہوئی ہیں ان میں اگر دیکھیں تو ان کی طرف سے لائرز نے بائک آؤٹ کیا, چارج کو فریم نہیں ہونے دیا. جیسے ہی چارج فریم ہوگا تمام ایویڈنس کورٹ میں پیش ہوں گے, لیکن اگر دوسری طرف سے وہ لائر جو ہیں وہ بائک آؤٹ کر رہے ہیں, کورٹ میں پیش نہیں ہو رہے ہیں اور مقدمے کو چلنے نہیں دے رہے ہیں. وزیر مملکت شہریار آفریدی کی پریس کانفرنس پر طلال چودھری نے سخت رد عمل دیا, کہا حکومت کے پاس رانا ثناء اللہ کے خلاف کوئی ثبوت نہیں, رانا ثناء اللہ منشیات کا نہیں نواز شریف سے وفاداری کا قیدی ہے. حکومت اپنی نالائکی کا بوجھ عدالتوں کے کاندھوں پر ڈالنا چاہتی ہے. طلال چودھری کا کہنا تھا پرانے زمانے میں بھینس چوری اور اب نیب کے مقدمے بنتے ہیں. شہریار آفریدی صاحب وہ میرا بھائی ہے, اور میں اسے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اس پی ٹی آئی اور اس جھوٹی تبدیلی کی خاطر اور اس جھوٹی مدینہ کی ریاست کی خاطر
झूठी कस्में उठाकर अपनी आकबत खराब ना करे। केस तो बिल्कुल खराब हो चुका है क्योंकि वो झूठा केस था, वो जाली केस था, उसी तरह जिस तरह ये जाली हुकूमत है। ये वो सबूत जो 15 दिन में अदालत में देने थे उसमें इन्होंने 6 महीने लगाए, अभी तक नहीं दिए गए। उसके बाद 4 दफा प्रोसिक्यूटर्स बदले गए। उन प्रोसिक्यूटर्स को बदलने का मकसद, जानबूझ के चलान न जमा करवाने का मकसद सिर्फ एक था कि किसी ना किसी तरह ये डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाएं किसी को, ताकि सही चीजें सामने ना आ सके, इंसाफ ना हो सके। इन्होंने हत्तल बसा कोशिश की कि किसी तरह इसको डिले करके, और क्योंकि सबूत तो इनके पास है नहीं। इनकी एक आदत है कि ये पहले बात करते हैं फिर उसके बाद माफिया मांगनी शुरू कर देते हैं। इनके 2 वफाकी वजीर जो है वो ऑलरेडी अदालतों में इन्हीं चीजों पर माफी मांग चुके हैं। ये फिर से अपनी नलायकी नाहली का बोझ अदालत के कंधों पर रखना चाहते हैं। अदालत ने तो सबूतों की बुनियाद पर फैसला करना है। कहां है वो वीडियो जो आपने वादा की थी? क्यों नहीं दिखाते? क्यों नहीं बताते? क्यों सिर्फ वीडियो मौजूद है तो इनकी झूठ की मौजूद है, इनकी झूठी कस्मों की मौजूद है? और इनके, और मैं समझता हूं ये सिर्फ हुकूमत पे तो एक सवालिया निशान है ही है। हुकूमत का तो लोग जानते हैं कि ये झूठ की हुकूमत है, मगर अदारों पे भी सवालिया निशान लग चुका है। ANF के पूरे अदारे पर भी सवालिया निशान है। इसी तरह कभी नादरा को इस्तेमाल करते हैं, कभी FIA को इस्तेमाल करते हैं, और नैब तो इनके घर की बांधी है, वो तो इनकी गुलाम है, जिस तरह चाहते हैं इस्तेमाल करते हैं। फिल वक्त इतना ही। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, आप देखते रहिए समा।